इसको जेल में डालो अमृतपाल सिंह को इसका ठिकाना वहीं पे है और अगर इसको जेल में डालना इतनी दूर पंजाब में जेल में मत डालना इसको अमृतपाल सिंह को अमृतपाल सिंह को डालो केरला में के? मणिपुर में तमिलनाडु में ऐसी जगह जेल में डालो कि जहां की भाषा ही ना समझ पाई है <laughs> कहानी खत्म और इसके ऊपर लगा दो केस ऐसे ऐसे केस की सौ सौ एफ इसके ऊपर कि यह बिल्कुल इसका जीवन जो है बाकी का जीवन इसका कोर्ट कचहरी में बीत जाए दैट इज ओनली वे टू हैंडल दिस गाय एंड सॉलिड आयरन क्लैड केसेस एक और बात मैं आपको बताता हूं लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी मैं एक चीज अगर आप तक ये बात पहुंचती है सर आपने सुना होगा और सभी लोग जानते हैं जिन्होंने रामायण पढ़ी है रामायण देखी है रामायण सुनी है रावण की जान ना उसकी नाभि में थी जहां पर वह अमृत का कलश था अमृतपाल सिंह जैसे सौ लोग आएंगे और जिस तरीके से रावण का सर कटता गया वो कटता रहेगा दूसरा सर आता रहेगा जो तो अमृतपाल सिंह है ना वो एक आइडिया है वो बंदा नहीं है वो एक आइडिया है भिंडरा वाले एक आइडिया है दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि यू कैन नॉट किल एन आइडिया विद अ गन यू हैव टू किल एन आइडिया विद एन आइडिया एन आइडिया कैन ओनली बी डिफीटेड बाय एन आइडिया मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं और इनको जान कहां से आती है ये जो रावण है ना ये रावण इसकी नाभि में जो अमृत का कलश है ना जिसमें मारेंगे तो रावण मरेगा ये पाकिस्तान में मानिए मेरी बात आप जितनी पाकिस्तान की चूड़ियां कसेंगे ना जितना पाकिस्तान मिजरेबल होगा जितना पाकिस्तान परेशान होगा हिंदुस्तान में उतनी शांति होगी उतना सुख होगा लोग कह रहे हैं वॉर मॉन्गर है ये मैं वॉर मॉन्गर नहीं मैं वेरी प्रैक्टिकल गाय मैं इमोशनल होकर चीजें ज्यादा नहीं बोलता वेरी प्रैक्टिकल गाय मैं आपको बता रहा हूं जितना आप पाकिस्तान आपको जो भी भारत में दिखता है ना किसी ने ये बोल दिया किसी ने ये बोल दिया मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता वरना लोग कहेंगे कम्युनल बातें कर रहा है ये सारी दिक्कतें आपकी खत्म होगी जितना पाकिस्तान की आप चूड़ियां कसेंगे जितना पाकिस्तान में हाहाकार होगा उतनी यहां पर शांति होगी ये बात आप समझ लीजिए ये डायरेक्ट इनके ताने वाने जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इनके ताने वाने तो जुड़े हुए हैं ये पूरा और आखिरी एक और चीज बता दूं खालिस्तानियों ने वहां पे मंदिर तोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पर मंदिर तोड़ दिया ये क्यों तोड़ रहे हैं मंदिर मैं आपको आज बताता हूं ये क्यों मंदिर तोड़ रहे हैं ऐसा नहीं कि इनके इन, इनके मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत है वो भी होगी बट दैट इज नॉट द मेन मेन रीजन रीजन इसका भाई साहब यही है कि ये लोग चाहते हैं कि इतने मंदिर तोड़ें ये कि भारत में भीड़ एक इकट्ठा हो जाए और वो किसी गुरुद्वारा साहब को जाकर डैमेज कर दे अच्छा, हाँ। आप कभी इनके चक्करों में मत पड़ना इनके चक्करों में मत पड़ना खालिस्तानी अलग हैं और सिख अलग हैं और इनको आपस में मिलाने का गुनाह मत करना सिख अलग हैं खालिस्तानी अलग है खालिस्तानी तो जानवर हैं ये और सिख हमारे भाई हैं इस चीज का हर समय आप लोग ध्यान रखना कभी इस गलतफहमी में मत रहना कोई बोले कि हमारा मंदिर तोड़ दिया चलो दस हजार की भीड़ हम उस गुरुद्वारे पर चलते हैं पाप कभी मत करना भगवान का घर है वो पाप कभी मत करना यह पुछते चली जाएंगी ये पाप धुलेगा नहीं और ये क्यों करवाया जा रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं ये जान के उकसाया जा रहा है कि यहां पे भीड़ जाए करे मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं जब भी गुरुद्वारा साहब के अंदर घुसो मेको अरदास करो ठीक है प्रसाद लो और वापस आ जाओ सर झुका के इससे ज्यादा कभी कुछ मत करना खालिस्तानी चाहते हैं ये ये इनका गेम प्लान है आई नो मैं किसी दिन आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता क्या पता किसने बताया आई विल टेल यू इज नॉट द राइट टाइम पर मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द गेम कि आपको भड़का के कुछ ऐसा करवाएं भारत के अंदर और एक कभी मत होने देना भाइयों कभी मत होने देना बहुत सही बहुत सही सही बात बात अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान की बात ना करें मुझे भी लग रहा था यार कुछ मिसिंग है इसमें देर इज समथिंग मिसिंग इन ऑल दिस ना वो तड़का वो वो चाट मसाला वो गर्म मसाला वो देसी दिस ही yes. अभी तो आया नहीं खाने में फीका फीका खाना लग रहा था अब आते हैं पाकिस्तान पर ठीक है ना पाकिस्तानियों तैयार हो हेलमेट वेलमेट पहन लो बेटा मेजर बॉलिंग करने वाला है अभी फास्ट फास्ट बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट ठीक है एफ <laughs> एफ ने पाकिस्तान को फिर एक बार उसकी औकात याद दिलाई और बोला बेटा तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें निपटा देंगे <laughs> रीसेंट वीडियो दैट एमर्ज ऑनलाइन शोइंग हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन अलॉन्ग विद आर्म बॉडी गार्ड एज ई लेड्यूनरल प्लेयर प्रेयर फॉर बशीर अहमद पीर हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर शॉट डेड बाय unidentified assailants in rawalpindi. the asian affiliate of the financial action task force continues to monitor pakistan's actions to strengthen the system to counter terror financing, and it's important for the country to deliver on all its commitments. the head of the multilateral watchdog said on friday, fatf president, fatf ke president kanam sonlo, pakistanio, T. raja kumar. t raja kumar. यहां पे भी एंडियन को लगा दिया है ये तो बड़ी मुश्किल है हर जगह एंडियन लगे हुए हैं टी राजा कुमार ऑफ सिंगापुर हैज मेड द मार्क्स एड न्यूज कॉन्फ्रेंस फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ अ प्लेनरी मीट इन पेरिस वेर यूजी एक्टिविटी रावल पिंडी वेंट अगेंस्ट पाकिस्तान कमिटमेंट टू क्रक डाउन ऑन टेररिजम ये कहता है आई विल नॉट स्पेकुलेट ऑन स्पेसिफिक मीडिया रिपोर्ट्स बट आई थिंक वट इज इंपॉर्टेंट इज टू एमफरसाइज दट देर कंटिन्यूस टू बी मॉनिटरिंग ऑफ पाकिस्तान प्रोग्रेस देखो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तानियों को भी काम करना चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है वतन से मोहब्बत बीच बीच में आपकी चौदह अगस्त टाइप में खेल जाती है कभी कभी लेकिन इंडियंस आप ये जो वीडियो है ना सैयद सलाउद्दीन का जिसमें वो कह रहा है कि भारत के खिलाफ जंग करेंगे भारत को बर्बाद करेंगे ये सब नॉर्मल डायलॉग तो एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई तीस साल से तू क्या धनिया चील रहा था 30 साल से क्यों नहीं करा तू ना बर्बाद अब बुढ़ापे में इसको बड़ी जवानी आ रही है भारत को ये करेंगे भारत को करेंगे यू मस्ट टेक आउट द क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट ठीक है आप इंटरनेट से क्लिप वो करिए और आप अपना उसके ऊपर लिखिए कि पाकिस्तान अभी एफएटीएफ एफ से निकला है और किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसे दहशतगर्दों को जिसने हिंदुस्तान में हजारों जाने जबुल मुजाहिदीन ने ली है लोगों को आम लोगों को मारा है सिविलियंस को मारा है वो इस तरीके से कैसे घूम सकता है हथियार हथियार लेके अपने बॉडीगार्ड से इसका मतलब पाकिस्तान में उसको पना दे रखी है रावलपिंडी में पाया गया जहां पर आर्मी है इसका मतलब रावलपिंडी ने उसको पना दे रखी है जीएचक्यू रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी आप लोग एफ को टैग करके यूएनएचआरसी को टैग करके ठीक है आईएमएफ को टैग करके ये वीडियोस भेजिए छोटे छोटे चो एक एक मिनट के आप ट्वीट करिए एंड टैग ऑल दीज बॉडीज एंड आस्क देम दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू इसका हैश चलाइए है। और जितने भी लोग हैं प्रोमेंट आप सबको टैग करिए जिसको नहीं पता है एंड एवरीबडी शुड कम टू नो किस तरीके से पाकिस्तान चार पौने चार चार साल रहा वो एफ की ग्रे लिस्ट में अभी निकला है और निकलते ही मैंने आपको बहुत पहले बोला था अपना रंग दिखा दिया एक्सिलेटर से पैर हटाओगे तो दिक्कत होगी दिक्कत होगी ये मैं कई बार बोल चुका हूं पाकिस्तान देखो पाकिस्तान का जो एक्सेलेटर ना उस पर पैर रखे रहना है उन उनपे दबाव बना के रखना है जब दबाव हटेगा तो ये सैयद से, से, सलाउद्दीन को तो ये बाबा कौन मानते हैं अपना जिन्ना से बड़ा मानते हैं इसको यार तो ये हाफिज सईद वगैरह मैं बता रहा हूं इनके कदमों पे तो जाके पाकिस्तानी माथा टेकते हैं सजदार करते हैं इनके कदमों पर हीरो बहुत बड़ा और ये खुला घूम रहा है ये हथियार लेके अपने सपोर्टर्स के साथ और भारत के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहा है वो क्लिप आप निकालिए इंटरनेट से और सबको टैग करिए ट्विटर पे एक ट्विटर स्टॉम आनी चाहिए ट्विटर सुनामी आनी चाहिए इसकी ठीक है हैशटैग लगाइए है कोई और इसको आगे बढ़ाइए बहुत जरूरी है एफएटीएफ आई एम एफ वर्ल्ड बैंक सबको कि पाकिस्तान ने यह करा है बताते रहो इनको अगले दो तीन दिन बताते रहो ठीक है इससे होगा यह कि जो आई इनको पैसे देने वाला है जो डिले हो गया ना इससे यह होगा कि एक महीना और डिले हो जाएगा जितने पाकिस्तान पे दबाव रहेगा तब पाकिस्तान अंडर कंट्रोल रहेगा ये यह बेलगाम घोड़े की तरह भागना शुरू कर देते हैं इनको टाइट करना बहुत जरूरी है ठीक है जी लेते अलावा ये दो पाकिस्तानी भाई हैं बीस साल पहले इनको ग्वंतानमो बे में डाल दिया था अब्दुल एन मोहम्मद अहमद रबानी ये 2002 में पाकिस्तान मुझे लगता है परवेज मुशर्रफ थे उस टाइम अच्छा परवेज मुशर्रफ ने ना ये बात इसकी कवर भी हुई है पाकिस्तानी न्यूज में परवेज मुशरफ ने चार पाकिस्तानी बेच दिए थे अमरीका को पता पैसे खाके निपट गया और चला गया वापिस। उसने क्या करा कि अमेरिकन तुम्हारे यहां तो अलकायदा वाले घूम रहे हैं बताओ हम पैसा देंगे तो इनके मुंह में पानी आ गया पाकिस्तानियों के जाहिर सी बात है तो इन्होंने सड़क में जो फल बेच रहा था ना जिसने अलकायदा का नाम भी नहीं सुना था आप जाके गूगल करिए अभी आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पेपर ने कवर कर रखा यह चार हजार पाकिस्तानियों को परवेज मुशरफ ने बेच दिया ही सोल्ड हिज कंट्री मैन फॉर डॉलर डॉलर कहां गए अभी तक किसी को नहीं पता क्या बात है ठीक है इसने परवेज मुशर्रफ ने क्या करा कि परवेज मुशरफ ने जो फल बेच रहा था उसको कोई स्कूल का टीचर उसको कोई प्लंबर था उसको कोई कारपेंटर था कोई बिजली वाला था एसी रिपेयर करने वाला था सबको पाकिस्तानी फौज ने इसके पीछे लगाया और बोला पकड़ो उनको मार मार के बोला कि तुम अलकायदा के उसको बेचारे को पता ही नहीं फल वाले को अलकायदा क्या होता है ठीक है उसको पता ही नहीं अलकायदा क्या होता है उसको मार, मार के बोला करते है, जी मैं मारना कबूल कर लिया का है? जाओ। 20 -20 साल के लोग जेल काट मुशर्रफ ने खुद के पाकिस्तानी बेच दिए पाकिस्तानियों गूगल काम कर रहा है ना पाकिस्तान में फ्री है पैसे नहीं लगते कोई डॉलर नहीं लगते गूगल पे जाओ और देखो और जानो कि तुम्हारे आर्मी चीफ और तुम्हारे प्रेसिडेंट ने तुम्हारा जो सदर था उसने पैसे खा लिए और चार हजार के करीब मासूम पाकिस्तानी जिनका अलकायदा इस्लामिक स्टेट से कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक उनमें से कईयों ने नाम नहीं सुना था अलकायदा का उसको पकड़ के उसने अमेरिकन को बोल दिया कि हां हम जानते हैं पाकिस्तानी फौज ने अलकायदा वाले को पकड़ा वो कहता रहा साहब मैं तो अमरूद बेचता हूं और जनाब मैं तो केले बेचता हूं मुझे तो पता ही नहीं अलकायदा क्या कर नो नो पाकिस्तानी अलकायदा उनको बेच में वहां पे चाबियां लगा रहे हैं उनका टॉर्चर हो रहा है पता नहीं जो जो करा उनके साथ तो दो भाई आए हैं दो भाई आए अब सारे पाकिस्तानी कौन के आंखें गीली हो गई आंखें नम हो गई मेरे करण अर्जुन आएंगे तो इनका करण अर्जुन आ गए भैया ठीक है ना भाई साहब गजब है सर ने सही कहा इनकी चूड़ी टाइट करके रखनी पड़ेगी क्योंकि जैसे अभी जैसे इनके लिए क्या हुआ कि से बाहर निकले वो भाई साहब आतंकवादी जितने थे घूम रहे खुले खुल्ले ऐसे निकलते हैं बारिश बंद हो गई क्या अमेरिका में अभी देखना बंद करा हुआ है हमें वो निकल लेता है सर ने सही कहा कि इनके चार हजार अपने ही लोग बेच इनकी क्लिप्स लेके ट्वीट करो या ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि इनकी सरकार ऐसे बैठती है थोड़े दिन बैठे रहो जैसे ही अपना फायदा हो जाएगा ना पैसे मिल जाएंगे फिर तुम निकलाना बाहर क्योंकि उनके ऊपर दबदबाई ही टेरिस्ट का है उनके ऊपर किसी की चलती नहीं इतना भी क्या है जो देश में सरकार के ऊपर दबदबा आर्मी का मुझे लग रहा है आर्मी के ऊपर भी दबदबा इनका टेरिस्ट का ही है ये हो सकता है टेरिस्ट के ऊपर आर्मी का दबदबाओ क्या पता है तो फिर तो आया इतनी जल्दी कैसे बाहर फिर ये जब मन करता है ये, ये तो मुझे लगता है ये जेल जाता है इनका पिकनिक स्पॉट है जेल मुझे अलका कितने रहा था जब उसको पकड़ा था वहां पर लेकिन भैया मैं बता रहा हूँ अमेरिका इनका सच में इलाज करेगा किस दिन अभी तो पैसा दे रहा है लेकिन जिस दिन इलाज होना भी चाहिए थोड़ा लेकिन इलाज क्या करे बेचरमी इतने है ना

उपद्रवी कलाकार होते हैं वो ऐसी हरकते करते थे जिससे कि हम इमोशनल हो जाते हैं और हम थोड़ी हाँ। फिर वो चीज कर रहे हाँ। और उससे क्या होगा दंगे फसाद कराने की और ये जिंदगी भर हम करेंगे ये चीज मैं बता रहा क्योंकि जिसमें कि अगर किसी उसको ब्लेम करना कि जो उससे रिलेटेड भी नहीं था वो चीज मैं बता रहा हूँ बाकी इट्स हाई टाइम थोड़े से इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से और पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं साजिश लगती है मेरे को इस चीज़ में भाई साहब बहुत तगड़े लेवल पर है ये चीज है बाकी सर ने अगेन आई वुड से पाकिस्तान को तो सर मैं तो जितना सही करता है, mm -hmm. mm -hmm. है, है, है। <laughs> आप में ज़ोर बता रहे बाकी जितना हो सके वीडियो कर दे शेयर अगर हमारी किसी बात से करते है तो